अब चलिए एक बार फिर हम अपनी उसी सीरीज को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव वाले सीरीज को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हमारा पैसिव वाइज बनाने का नियम है वो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वाइज बनाने के नियम क्या है और किस तरीके से हम बनाते हैं, आइए ये आपका नियम लिखा है, इस नियम को पढ़ते हैं और पैसिव वाइज बनाते हैं। नियम हमारा क्या है कि इस टेंस के किस वाक्यों की? नकारात्मक वाक्यों की पैसिव वाइज बनाते समय कर्ता के अनुसार, काहे के अनुसार? सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज नॉट बीन कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट या कर्ता क्या वचन का होगा। और हैव नॉट बीन कब लगेगा? जब हमारा कर्ता वचन का होगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को बताना, जहां पे ना आए पक्का पूछ लेना, ठीक। और उसके बाद वर्ब की अर्थ हम नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई का। अभी इसके पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, या इसके पहले क्या, लगभग लगभग जितने एक्टिव पैसिव की क्लास हुई है हम हर क्लास में बताते आए हैं कि पैसिव वाइज बनाते समय सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले जो वाक्य दिया उसका टेंस पहचानना है। क्या करना है? वाक्य का टेंस पहचानना है। जैसे हमारा टेंस कौन सा चल रहा? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमको पता होना चाहिए। क्या होती है? हैज या हैव। तो हैज होता है या हैव होता है, कहे की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हमारे पास वाक्य आ गया, हमने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? हैज लगी। इसका मतलब टेंस वाक्य किस टेंस का है? किस टेंस का है आप बताओ? पक्का है? एकदम कोई शंका तो नहीं है? आप लोग बच्चियां बताइए, है कोई शंका? नहीं है। अब इसका हमको पैसिव वाइज बनाना, तो हमने शुरुआत में ही नियम लिखवाया था, पैसिव वाइज बनाते समय सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्या करते हैं? बदल देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो हमारा इस वाक्य में भी हमको क्या क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में पीछे से ही आवाज आनी चाहिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। आप लोग पीछे बैठी हो, हमने पीछे उन बच्चियों से पूछा है इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सी। अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वही बच्चियां बोलेंगी। हमारा सब्जेक्ट है सी, आवाज नहीं। उसके बाद अब क्या ढूंढे हम? क्या ढूंढे? ऑब्जेक्ट ढूंढे, है ना बेटा? अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढना, तो ऑब्जेक्ट हमको कहां पर मिलता है? हरदम हर क्लास में हमने बताया ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा होगा? क्रिया के तुरंत काम कौन सा हो रहा है? कहता सी हैज नॉट, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो लिखी होती हमारी क्या लिखी होती? क्रिया लिखी होती, वर्ब लिखी होती है। और वर्ब के बाद हमने क्या बताया क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ? अ पावरफुल स्पीच। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रतिमा बताना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ पावरफुल स्पीच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का हमारा नियम है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कैसे बोलूं, समझ में आवा है? गाड़ी ढंगा चले आवा तो है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे ही चलते पढ़ते नहीं है। चलो अब जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो कर्ता रूप में क्या लिख दें? कोई ना बोलो, उन्हीं बोले लो, क्या लिख दें? बोलो नहीं पीटी जाओगी। इधर देखो, तो हम ही बता रही, इधर देखो इसमें क्या लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? अ पावरफुल स्पीच। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख जाएगा? हमने लिख दिया अ पावरफुल स्पीच। ये क्लियर हुआ? अब सब्जेक्ट हो गया तो हैज लगाएंगे या हैव? अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन होगा तो
हैव तो पावरफुल स्पीच, जोरदार भाषण, एक एक कई एक तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाए कि हैव, हाँ अब की आवाज आई हैज। अब फार्मूले पे आ जाओ, हैज के बाद क्या लगेगा? नॉट, नॉट के बाद थोड़ा धीरे बोल, बहुत तेज बोल रहे हैज नॉट बीन। अब बीन की बात करूं मैं, वर्ब की काम कौन सा? डिलीवर्ड, क्या होता काम? डिलीवर्ड। तो हम किसको इसी तरह लिख देते क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पास्ट परफेक्ट में खुद ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी रहती है। तो हैज बीन डिलीवर्ड, और उसके बाद बाई, बाई के बाद सीधा जाकर हम रह जाएगा बाई। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ है, और देखो हमने लिखा आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। अब इसमें भी क्या क्या ढूंढे, क्या क्या ढूंढा जाए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब कितने लोग इस वाक्य में बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है? हाथ उठाओ तुम भाई। प्रतिमा जी आप बताइए, सब्जेक्ट नहीं पता चल पा रहा? अरे अच्छा, हाथ नीचे को, और कोई बोलेगा नहीं। वाक्य में कर्ता, जैसे तुम्हारे घर में मुखिया कौन है? बाबा होंगे या पापा होंगे ना? बाबा है अभी कि नहीं? तो बाबा कहां पर मिलेंगे? सबसे पहले कि सबसे बाद में? सबसे पहले, पक्का? पक्का है एकदम। तो उसी प्रकार जो सब्जेक्ट होता है वो घर का क्या होता है? मुखिया होता है। वो कहां पर मिलेगा प्रतिमा? कहां पर मिलेगा? सबसे पहले। तो बताओ इस बात में सबसे पहले क्या लिखा है? आई। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? क्लियर हुआ? अब समझ में आया कि अगर कर्ता ढूंढा जाएगा तो वाक्य में कर्ता कहां पर लिखा रहता है? कहां पर लिखा होता है? सबसे पहले। तो कर्ता क्या हो गया? आई। हैव नॉट ये हमारी सहायक क्रिया है, डन हमारा काम है, और ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा होता है? कहां पर? क्रिया के बाद, और क्रिया के तुरंत बाद क्या लिखा है? दिस वर्क। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्या हो गया? दिस वर्क। अब पैसिव वॉइस बन जाएगी प्रतिमा? दिस वर्क नहीं, पैसिव वॉइस बना लोगे? पैसिव वॉइस का नियम क्या है? जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिख देते हैं कहां पर? सबसे। तो सबसे पहले क्या लिख दें? दिस वर्क। बोलते रहो थोड़ा बहुत, हाथ पैर चलाओगे तो तैरना सीख जाओगे, जब नहीं चलाओगे तो डूब जाओगे। थोड़ा बहुत प्रयास करो तो बनने लगेगी, ठीक है ना? तो हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में? दिस वर्क। अब दिस वर्क माने यह काम, एक है कि बहुत से? एक। बताओ हैज लगा दे फार्मूले पर आ जाओ, या हैव लगा दे, क्या लगा दे? हैज। दिस वर्क हैज। उसके बाद नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की, ये डन खुद लिखा हुआ वर्ब की तरफ हम यहाँ पर लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर, तो क्या लगा दे? डन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ये लिखा है बाई। इसमें से एक एक चीज ढूंढ लो, अपने आप हो जाएगा, कहीं तुमको दिमाग लगाने की जरूरत ही बाई। और बाई के बाद ऑब्जेक्ट, देखो इसको तुमने यहाँ पहुंचा दिया सब्जेक्ट की जगह पर, तो जो सब्जेक्ट होगा इसको पहुंचा दोगे कहां पर? ऑब्जेक्ट की जगह पर। कहां पर? तो आई जब उधर जाकर हम रह जाएगा बाई मी। ये बन गई हमारी क्या? पैसिव वॉइस। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कम आया, अभी भी कम आया। एक वाक्य और हो जाए, हो जाए कि ना हो जाए? ये देखिए अगला वाक्य हमने लिखा, दे हैव नॉट बॉट अ न्यू कार। ये हमारी है एक्टिव वॉइस। अब इसमें प्रतिमा और आपका पूरा ग्रुप ये बताएगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढे हम? गुड, क्या ढूंढे? सब्जेक्ट। आप ही लोग बताइए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? क्या है? दे। पक्का है ना? सब्जेक्ट कहां पर लिखा था? वाक्य में सबसे पहले लिखा हो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? दे।
ऑब्जेक्ट क्या है, काम कौन सा हो रहा, खरीदने का काम हो रहा, क्या खरीदा जा रहा है, न्यू कार ना, क्या खरीदा जा रहा है, न्यू कार, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बोलो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, न्यू कार, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब पैसिव वाइज बनाएंगे कर्ता के रूप में क्या लिख दे, समझ लो तुम लोग भी, जिनको बच्चों में जिनको नहीं आ रहा वो भी ध्यान दें, है ना, ये खाली स्पेशल उन्हीं के लिए नहीं, क्लास सबके लिए चल रही है, आप लोग भी ध्यान दें, अगर जहां पर दिक्कत हो तुरंत बताइए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिख दें, हम क्या लिख दें, समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ बोलो भाई शाबाश, क्या लिख दें, न्यू कार। अब बताओ कार एक है कि बहुत से, एक। तो सहायक क्रिया है लगाने की है, क्या हैज, न्यू कार हैज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, के बाद वर्ब की क्या है, बॉट, अरे वाह शाबाश, बाट के बाद वर्ब की, सॉरी बाट तो खुद धर्म, वर्ब की धर्म के बाद बाई, बाई बाट बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट है, उधर जाकर हम बन जाएगा दे में, तो हमारा हो गया कि आ न्यू कार हैज नॉट बीन बाट बाई। अब हमारा बचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा, उसके बाद इसकी हम देंगे क्या एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, जहां पर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, और हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए हमारी क्लासें अत्यंत फ्रूटफुल हो रही होंगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा ये आपकी जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।